भाई जेल में है और बहन जब अपने भाइयों को भाई दूज के मौके पर धागा बांधने गई तब माहौल खुशी का जरूर था, लेकिन नम आंखों से बहनों ने भाइयों के कलाइयों में धागा बांधा। रोहित मोबाइल, भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज सागर मध्य प्रदेश। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर के केंद्रीय जेल से सामने आई, जहां बहनों ने जेल में बंद सजा काट रहे अपने भाइयों की कलाइयों पर डोरा बांधा है। बीते दिन की यह केंद्रीय सागर की तस्वीरें हैं, जहां जेल अधीक्षक महेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि इस मौके पर उन्होंने विशेष व्यवस्थाएं की थी। सुबह के 8:30 से शाम के 5:30 का वक्त भाई बहनों को दिया गया, जहां भाइयों के माथे पर बहनों ने तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर भाइयों को आशीष दिया और आशीर्वाद दिया। यह तस्वीरें हर वर्ष आती हैं। जो लोग अपराध करने की सोचते हैं वो यह तस्वीरें जरूर देखें। क्षण भर का गुस्सा या लालच कभी कभी जिंदगी भर के लिए दुखदायी बन जाता है। फिलहाल तस्वीर देखते रहे। भाई दूज का त्यौहार आज मनाया जाता है दीपावली के बाद। बुंदेलखंड क्षेत्र में जेल प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि सबसे प्रमुख जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान रखा गया है, और बहनें भाइयों को टीका लगाने आती हैं तो जो उन्हें टीके के लिए आवश्यक सामग्री जैसे नारियल, रोली और कुछ मिठाई वगैरह का प्रावधान हमारे यहाँ कैंटीन है, कैंटीन से किया गया है। बाहर का कोई भी खाद्य पदार्थ हम बंदियों को नहीं भेजने देते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सभी को बराबर जगह मिले और प्रॉपर टाइम मिल जाए मुलाकात का, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। कितने बजे से सर मुलाकात प्रारंभ हुई थी और कितने बजे तक शाम तक चलेगी? मुलाकात सुबह 8:30 से शुरू हो गई थी और शाम को 5:30 तक चलेगी। और लगभग कितनी संख्या अभी तक आ चुकी है, अभी कितनी आने की संभावना? अभी 3 बजे तक 3,000 से ऊपर महिलाएं और बच्चे अपने परिजनों से, अपने भाइयों से मिल चुके हैं, और उम्मीद है कि ये आंकड़ा 5,000-5,500 तक पहुँच जाए। आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। रोहित मोबाइल, भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज सागर मध्य प्रदेश।